आज जो डेरा अपना श्रोमणी अकाली दल की जो मीटिंग हुई है आज, उसमें जो तीन बातों पर विचार किया गया है, एक तो सबसे पहले तो जो था वो एक मता पास किया गया कि जो पंजाब के सभी पंजाब के लोगों को धन्यवाद के लिए कि जो पुरअमन और बहुत ही जो बढ़िया तरीके से चुनाव हुए हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए, और जो पार्टी को जो हमें भरपूर जो हमें समर्थन मिला है उसके लिए उनका धन्यवाद किया गया पंजाबियों का। और ये समझते हैं हम कि अमन और भाईचारे की सांझ और विकास के लिए वोट मिली है हमें। और दूसरा, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं अब थोड़ी दिनों में, तो उसकी तैयारियों के बारे में जो ड्यूटीज़ लगानी थी वो प्रधान साहब ने सर सुखबीर सिंह बादल उन्हीं की प्रधानगी में ये मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ड्यूटीज़ वगैरह सभी जो हैं हमारे ऑफिस बेयरर्स वगैरह या लीडर्स साहबान उनकी ड्यूटीज़ लगा दी हैं। और तीसरा था कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, तो उनको उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके अपने अपने इलाके में हमारे वर्कर्स ने किसने ज़्यादा काम किया, किसने कैसा किया सभी का, तो जो जितने भी जिन्होंने बढ़िया काम किया उनको और उत्साहित किया जा सके, उनको और शाबाशी दी जा सके। तो इसके लिए जो तीन बातें हुई, एक तो पंजाबियों का धन्यवाद, और दूसरा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसकी उसके चुनाव की तैयारियां, और तीसरा जो है वो जो हमारे अकाली दल के कैंडिडेट्स थे उन सभी का जो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं फील्ड से कि हमारे वर्कर साहबान की परफॉर्मेंस जो है किसकी अच्छी रही, और उसको उनके रिपोर्ट मांग कर फिर उनको जो है उनके रिपोर्ट के हिसाब से वर्कर साहबान को जो भी उनको शाबाशी देनी है जो भी करना है वो प्रधान साहब करेंगे जी। डेरे के मुद्दे पे भी तो कोई चर्चा ये होगी? तीन ही बातों पर बात हुई है, तो इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। वैसे भी ये जो बात आप कह रहे हैं वो श्रोमणी अकाली दल की बात नहीं है, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात है, वो करेंगे। लेकिन ना बहन साहब, क्या क्योंकि जो सिख संगठन है लगातार ही डिमांड कर रहे हैं कि सीधा सीधा श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे का उल्लंघन है, तो इसको लेके अकाली दल का क्या स्टैंड देखो, है? आज तो इसके बारे में कोई बात नहीं हुई क्योंकि आज तो जो तीन एजेंडा था वो ये था। लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो श्रोमणी अकाली दल है ये श्री अकाल तख्त साहब को पूरी तरह समर्पित है, और हम कोई ऐसी बात नहीं कभी करते और ना करेंगे जो कि श्री अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा के खिलाफ हो। तो जो कैंडिडेट गए थे जब उनके खिलाफ, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, तो यदि कार्रवाई होती है या नहीं होती उसको लेके श्रोमणी अकाली दल का क्या स्टैंड नहीं, है वो कि जो जो गए थे क्योंकि लोग? ये वो धार्मिक इशू है, और धार्मिक इशू के होते हुए वो बिल्कुल मुनासिब है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो कमेटी बनाई है, उसके बारे में क्या करना है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बताएगी। नहीं, अकाली दल का इन नहीं, इसके कैंडिडेटों बारे ने में नहीं अकाली दिया? दल के बारे में तो है नहीं, वो तो इंडिविजुअल्स के बारे में है, वो इंडिविजुअल हमारी पार्टी के किसी की पार्टी के भी हों तो जो वहाँ गए होंगे, जैसे भी जो जो भी उनके बारे में कोई शिकायत आई होगी तो जो वो कमेटी है वो देख रही है। आज का वो एजेंडा भी नहीं था क्योंकि ये पार्टी का भी इशू नहीं है, वो तो धार्मिक इशू है, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इशू है। ठीक, अपने